तो आज हम बात करेंगे नेस्सर की बुक से हाइपेरिकम के बारे में। तो कहीं पे भी अगर नर्व की इंजरी हो रही हो तो ऐसे में हम जो है हाइपेरिकम हमारे दिमाग में पहली रेमेडी आती है। अब वो चाहे अलर नर्व हो, चाहे मेडियन नर्व हो, चाहे रेडियल नर्व हो, या कोई भी नर्व अगर वो डैमेज हो रही है तो यहाँ पे हमें हाइपेरिकम हम देंगे। उसके बाद ये कनकसन इंजरी, कनकसन इंजरी मतलब हुआ कि अगर चोट लगी और उसकी वजह से नर्व डैमेज हो गई, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे इंजरी फ्रैक्चर हुआ बोन का, उससे जो है कनकसन इंजरी हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ के नर्व होंगे वो डैमेज हुई, तो ऐसे केस में भी हम हाइपेरिकम कर देंगे। अब बात आती है कि कैलेंडुला कहाँ यूज़ करेंगे। अगर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो तो ऐसे केस में जो लेसिरेशन हो गया, कहीं फट गई स्किन, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैलेंडुला को। आर्निका कहाँ देंगे, आर्निका देंगे ब्रूस टाइप ऑफ इंजरी, जिसको हम बोलते हैं गुम चोट है, चोट लगी है बट वो पता नहीं चल रहा है कि मतलब जो है वो लोकलाइजेशन हो गया, वहाँ पे नीले कलर के मतलब जो है निशान पड़ गए, मार्किंग पड़ गई वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप जो है आर्निका का दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक इमेज है, इसमें जो चोट है ये गुम चोट है। उसके बाद आती है बात कि स्टेफिसेग्रिया कहाँ देंगे। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज हुए कट करने के लिए उस एरिया को, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, तो हम ऐसे केस में स्टेफिसेग्रिया को देंगे। तो ये है नेस्सर की बुक से हाइपेरिकम का डिफरेंशिएशन।